तो आज है सोमवार। सोमवार को बात करते हैं, पहला जो टॉपिक है वो है एथन एनर्जी का। तो एथन एनर्जी में NIIF बढ़ा रही है हिस्सेदारी, CCI से मिली है मंजूरी, तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। NIIF ने पहली बार मई में 2022 में इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता एथन में निवेश किया था। इस साल जून में एथन एनर्जी ने जल्दी लिस्ट होने की अपनी योजना के तहत खुद को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल लिया। एथन एनर्जी का वित्त वर्ष 2024 में घाटा 22% से अधिक बढ़कर 1,60 करोड़ रुपये हो गया। रेवेन्यू 1,789 करोड़ पे रहा। तो यह मंजूरी ग्रीन चैनल रूट के तहत दी गई है। इस रूट के तहत ऐसा लेन देन जिससे कॉम्पिटिशन पर कोई बड़ा प्रतिकूल असर पड़ने का जोखिम पैदा नहीं होता, CCI को सूचित करने पर अप्रूव माना जाता है। CCI ने एक देश में कहा, खरीदार भारत जापान फंड ने एथर के कुछ सीरीज जी कंप्लसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंशियल शेयरों को हाजिर करने का प्रस्ताव रखा है। भारत जापान फंड NIIF द्वारा मैनेज फंड है। यह फंड पर्यावरणीय स्थिरता और कम कार्बन उत्सर्जन रणनीतियों में निवेश करने और भारत में जापानी कंपनियों की ओर से निवेश को बढ़ावा देने पर फोकस करता है। तो ये थी बात एथर एनर्जी के में NIIF बढ़ा रही हिस्सेदारी के बारे में।